हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका सावजी स्पेशल चैनल में। आज फिर से मैं आपको एक नए जगह पे ले जा रहा हूँ, दीघा। और यहाँ से बहुत ही जिसका सुंदर जगह नाम है दीघा, वहाँ पे बहुत सारे घूमने के जगह हैं। अभी है हम लोग लोकल स्टेशन में, यहाँ ये जिसका नाम है वैद्यवाटी, और यहाँ से अभी हम लोग हावड़ा जाएंगे लोकल ट्रेन से, और वहाँ से जाएंगे फिर दीघा। ये रहे हमारे दोस्त लोग, और ये रहे जीजा जी एक हमारे, और ये साइड में एक लौंडा खड़ा है। हाय बोल दे लौंडे। तो अभी हम लोग सारे तैयार हो करके यहाँ स्टेशन पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का। दोस्तों अभी हम लोग सुबह का समय है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी चाय पिया जा रहा है, अभी चाय के मज़े लिए जा रहे हैं सुबह सुबह। और ये रहा मोटा भाई हमारा, अभी एक ही बार में पी जाता है ये चाय। ये रही चाय की टिप्पी, और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। दीघा जाने की चाहत में चाह पिया जा रहा है। दोस्तों अभी हम लोग है लोकल ट्रेन पे, यहाँ से जा रहे हैं अभी हावड़ा। तो अभी हम लोग को लोकल ट्रेन ने ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे उतारा था, अभी हम लोग को जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 17 पे। अभी हम लोग जा रहे हैं पूरा स्पीड में। ट्रेन है 6:50 में हमारा ट्रेन है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ के स्टेशनों में, भाई लोग पूरा फुल ऑन स्पीड में चल रहे हैं। तो अभी हम लोग अपने ट्रेन के पास पहुंच चुके हैं, ये रहा हमारा ट्रेन। हाँ दोस्तों, अभी हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं और हमारे हाल कुछ माड़े हैं, हम लोग अभी खाड़े। और देखिए कैसा लस हो गया है यहाँ पे, पूरा सब कोई लसी आ गए हैं। गुलगुलिया टाइप से हम लोग बैठे हुए हैं, देख लीजिए। गुलगुलिया टाइप से हम लोग खड़े हैं। हाल अपना ऐसा है कुछ कि हम लोगों ने पहले टिकट ऑनलाइन बुक किया था, वो बैंक के कुछ प्रॉब्लम के कारण वो कैंसिल हो गया। उसके बाद स्टेशन पे हम लोगों ने टिकट लिया, उसका भी कुछ पता नहीं, या जनरल बोगी मिल गया, और जनरल बोगी का हाल कुछ ऐसा। अभी हम लोग वाशरूम के पास भरे पड़े हैं, और ये रहा सामने वाशरूम, और यहाँ पे सेंट भी आ रही है एकदम अच्छी खुशबूदार बदबूदार, और इतनी गर्मी है यहाँ पे कि गर्मी वाले ज़्यादा चढ़े। दोस्त बिना प्लानिंग के घूमने पे ऐसे होते हैं हाल। देखिए टिकट लेने पे भी सीट नहीं मिली, और 200 किलोमीटर का सफ़र अभी हम लोगों को ऐसे ही करना है। 100 रुपये यहाँ का टिकट लगा है पर पर्सन, और बस चल रहा है लस। दोस्तों 15-20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक हम लोग खड़े हैं और यहीं पे पड़े हैं, अभी तक ट्रेन निकला नहीं है। 6:50 का टाइम था, 6 बज चुके हैं, ट्रेन तो निकला नहीं लेकिन जान निकला जा रहा है। भाई लोगों का अभी हाल कुछ हो चुका है बेहाल, और हम लोग हो चुके हैं फटे हाल। घनी आबादी वाली क्षेत्र है, तो यहाँ पे आवाज़ें भी बहुत तेज है।
दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दीघा स्टेशन। ये रहा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है आज के दिन। आप जब भी आए तो सैटरडे और संडे को नहीं आए, नहीं तो देख रहे हाल कैसा है यहाँ का। ट्रेन में जगह ही नहीं, हम लोग को तो लटक के आना पड़ा। और बता भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस सफ़र का? ये रहे तीन हमारे तीन साथी, कैसा हाल चाल है जरा बताइए आप लोग का सफ़र कैसा रहा? बहुत खतरनाक। देखिए यहाँ पे सभी को हम लोग पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी मक्का जी पूरा पसीना है। ऐसा जी ब्रेड खाते हुए सूखे सूखे खाना क्रीम लगा के, बहुत ही सुहाना मौसम। सामने देख सकते हैं यह रहा दीघा स्टेशन। लाखों की जनसंख्या में भरा हुआ ये स्टेशन है। सबके हाल है माड़े, सबके लग गए एल एल। चलो चलो, घनी आबादी वाले क्षेत्र कृपया धीरे चलो। अभी हम लोग स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। स्टेशन से बाहर कुछ ऐसे है हाल, यहाँ से आपको मिल जाएंगे टोटो बस। किधर मिलेगा भाई ब्रो, बस किधर मिलेगा ब्रो? टोटो स्टैंड जाना किस चीज़ से है भाई? टोटो से कि टोटो में कि बस में? ऑटो में। ऑटो में? टोटो में। टोटो में रे, टोटो ले ले टोटो। ये रहा टोटो, अभी यहाँ से टोटो लेके हम लोग जाएंगे आगे की ओर। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ही भीड़ है। चारों तरफ हरियाली और बह रहे हैं पसीने। कहाँ गए जी? आगे हैं वो लोग। चलिए दोस्तों अभी हम लोग पैदल ही चल रहे हैं कुछ दूर, जा कर के देखते हैं क्या है हाल यहाँ का। आगे दोस्तों अभी हम लोग पूरे एनर्जी के साथ पैदल यात्रा पे निकल चुके हैं। सारे गरीब लौंडे अभी पैदल ही चल रहे हैं और इस जगह का लुत्फ उठा रहे हैं। अरे इस जगह से अभी हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं, ये रहा सड़क और ये रहा दूसरा सड़क। सफर ये सुहाना है, लौंडे लोग मस्ताना। रूम कहाँ लेना है जी? अनजान लौंडे अनजान जगह पे आ गए हैं और देखिए पैदल यात्रा कर रहे हैं अभी। भाई एनर्जी बचा है कि नहीं? अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? शटर तो डाउन ही था। 200 करीब 100-200 किलोमीटर चल के आए हैं अभी हम लोग। किलोमीटर? अबे मीटर भाई, मीटर। ये रहे होटल्स, बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पे और ये पार्किंग एरिया है। लोग अब करीब करीब पहुंच चुके हैं दीघा बीच के सामने और यहाँ से ही दिख रहा है। लौंडे हैं, उतावले हो रहे हैं बावले। और ये रहा दीघा बीच।
आप सबों के बीच दिखा बीच। ये बीच थोड़ी है, अरे ये तो किनारा है। ये तो किनारा है, किनारा है वे। बीच से किनारा में आ चुके हैं हम लोग गलती से। दोस्तों देख सकते हैं कितनी तेज लहरें चल रही है, यहाँ तक बूंदे पड़ रही है। अरे वाह, तुम ही नहीं इधर लेते आया बे, तूफानी लहरें दिखा रहे ना तुमको बहुत। अरे भाई 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 चलो चलो चलना, यहाँ बैठते हैं बे, इस जगह स्पेस है, वही जगह आराम से ले जाता। ये है समुद्र का किनारा, मोटका इसको टांगो। अरे मोटा भाई कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ लटक मटक के चलता है। दोस्तों अगर आप वो सभी होटल लेते हैं तो आप समुद्र का नज़ारा का मज़ा ले सकते हैं। भाई 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 खतरनाक री बाबा। अबे बैठना बे भोसड़ी के, बैठ ले दोस्तों। अभी हम लोग समुंदर के किनारे पे आगे बढ़ रहे हैं लहरों का मज़ा लेते हुए, और बादल भी काफ़ी मस्त है आज सुहाने से, और हमारे दोस्त लोग भी हैं मस्ताने से। भाई कहाँ व्यस्त है, माल साथ मस्त चल रहा है। दोस्तों अभी हम लोग एनर्जी बनाने के लिए एनर्जी ड्रिंक पीने जा रहे हैं, यह रहा नारियल पानी, ऑर्डर किया भाई नारियल पानी। नारियल जिसे डब भी कहा जाता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और ठंडे ठंडे पानी पीना भी चाहिए। कहाँ चल गए पाइप भाई। दोस्तों नारियल पानी के मजे लिए जा रहे हैं समुंदर के किनारे। दोस्तों देख सकते हैं एक पार्क यहाँ पे है, कुछ ऐसे हैं यहाँ के नज़ारे। यहाँ से बैठ करके आप समुद्र का लुत्फ़ उठा सकते हैं।
और ये रहा स्नान करने का जगह, आप यहाँ से नहा सकते हैं, बस सावधानी बरतें। दोस्तों ये रहा नहाने वाला एरिया, यहीं पे आप नहा सकते हैं आकर के, समुद्र का किनारा में ही बीच का मजा लीजिए। दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हमारे मन को कुछ वैसा खास नहीं भा रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आगे शायद बीच मिलने की संभावना है, इसी उम्मीद पे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या बात है सर। जाए छोड़, तो ये रहा बोट, इस बोट से आपको बचाया जा सकता है। दो चार लोगों से पूछने के बाद हमें ये पता चला है कि यहाँ पे सेम गंगा नदी वाला सिस्टम है, जैसे जैसे दोपहर का समय होते चला जाएगा वैसे वैसे पानी का लेयर कम होते जाता है ना, शाम तक अगर हो सके यहाँ पे पानी का लेयर बहुत कम चल हो जाएगा और ये किनारा ही बीच के जैसा लगने लगेगा, ऐसा मेरे दोस्त लोग बता रहे हैं। शाम का समय ही ज़्यादा प्रचलित। अच्छा हमें जाए कहाँ लाए? 2 बजे। अरे देखो इसका स्टाइल ठीक है, चल लगा दिए। बहुत खराब पानी।
है।